जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। उसके लिए हमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, और इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। अब पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। अब मैरिनेशन के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं अब इसमें डालूँगी। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। लेकिन अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक का पेस्ट बना सकते हो और ऐसे ही डाल सकते हो। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क डालेंगे, 60 ml। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे 1 आवर के लिए और इसको फ्रिज में रख देंगे। हमारा चिकन अब मैरिनेट हो चुका है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भरकर चिली सॉस डालूंगी और 1 अंडा इसमें मिक्स करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसकी कोटिंग की प्रिपरेशन करेंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए, कोटिंग के लिए हम 1 कप मैदा लेंगे, 1 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे, 1 टीस्पून क्रश चिली लेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। इसमें ऑरिगेनो डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से कोट करके एक एक पीसेस को साइड में रखते जाएंगे। इस तरह से हम अपने सारे पीसेस को कोट करके साइड में रख देंगे। अब हमने अपने सारे चिकन के पीसेस को कोट करके रख लिया है और ये इसका बचा हुआ लिक्विड है और ये पाउडर है बचा हुआ है, लेकिन हम इसे फेंकेंगे नहीं। हम इसमें अब ठंडा पानी डालेंगे, इसमें ठंडा पानी ही डालना है। अब हम इस पीसेस को फिर से एक बार इस पानी में डालेंगे और इसे फौरन निकाल देंगे और फिर से इसे इस पाउडर में डालेंगे और इसको कोट कर देंगे। हमारा सेकेंड टाइम कोट हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये अब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है। बस थोड़ी देर में हम इसे निकाल लेंगे। फ्राई हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया है। अब हमारा ये चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो गया है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा है। ये देखिए कितना जूसी और क्रिस्पी है। मेरा फेवरेट चिकन पॉपकॉर्न बन चुका है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।